आप मुझे ये बताइए कि क्या बिंदी और सिंदूर का जो कॉन्सेप्ट है, क्या इसके पीछे साइंस है, अध्यात्म का महत्व है या बस दिखावे के लिए है? देखिए, सबसे पहली बात तो फिर घूम कर आऊंगी गुड़िया, हाँ? सबसे पहले तो संस्कार है और उसके बाद फिर साइंटिफिक बताऊंगी और शास्त्र भी बताऊंगी। मैं जब पार्वती माँ को देखती हूँ तो वो 16 सिंघार में मुझे दिखाई देती हैं। जब मैं माता रानी को देखती हूँ तो मैं उन्हें सिंदूर अर्पण करती हूँ। अब मैं माँ को तो सिंदूर अर्पण करूँ और मैं छोटी सी निक्कर पहन के, हाफ कट स्लिप्स पहन कर और फूल लेती हुई माता रानी के पास जो है मैं सिंदूर चढ़ाने जाऊँ, माता रानी मेरी शादी कर ले, माँ यही कहेगी पहले कपड़े तो पहना पूरे बेटा, जो लेने आई है वो तो लो। देखो, ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने हमें सुहागन बनाया है। हजारों बच्चियां हमारे पास रोज आती हैं जो कहती हैं राखी जी शादी नहीं हो रही, बस आप ये बता दो शादी कब होगी, हम बहुत परेशान हैं। अभी अगर आपने देखा हो, हीरा मंडी मूवी आई, हीरा मंडी मूवी में जो पूरी की पूरी उनकी टीम है वो कपिल शर्मा के शो में आई, तो सोनाक्षी सिन्हा के साथ जब कपिल शर्मा मजाक कर रहे थे तो सोनाक्षी सिन्हा ने कहा मैं बस एक ही बात चाहती हूँ, मैं कितनी जोर से चाहती हूँ कि मेरी शादी हो जाए। सोचिए, एक सेलिब्रिटी चाहती है उसकी शादी हो जाए, उसकी शादी में भी प्रॉब्लम है, इज इट, तो आम इंसान के बारे में क्या होगा जबकि यूं चुटकी बजा के शादी कर सकती है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम्स है। सो शादी होना एक बहुत बड़ी बात है, सुहागन होना एक बहुत बड़ी बात है। और भाई मैं तो ये सब इसलिए करती हूं, मैंने ये संस्कार अपनी मां से सीखे। अब साइंटिफिक क्या है, जब एक औरत अपने हाथ में आलता या मेहंदी लगाती है, या वो चूड़ी पहनती है, या वो सिंदूर भरती है, या पैर में बिच्छू या पायल पहनती है और वो खुश महसूस करती है, अपने श्रृंगार को देखकर उसे अपने पे गर्व होता है कि दैट आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल, जैसा कि आपने कहा, तो वो शांत रहती है, वो खुश रहती है। जब वो खुश रहती है तो वो अपने हाथ अपने पति की तरफ आगे बढ़ाती है, उसका पति रिलैक्स रहता है। जब उसका पति रिलैक्स रहता है, घर से काम, शांति और प्यार मिलता है, तो फिर वो ऑफिस में जाके आराम से काम कर पाता है, उसके परिवार में सुख आता है। तो सब कुछ जुड़ा हुआ औरत से है, औरत ही घर बनाने वाली, औरत ही घर बिगाड़ने वाली। बिल्कुल, आपने, इसीलिए श्रृंगार का समान महत्व हमारे जीवन में बहुत है। आपको अनमेरिड दिखने में कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अपने सारे यूट्यूबर्स को, बच्चों को एक ही बात बार बार बोलती हूँ, मेरे पास आओ, मांग भर कर आओ, बाल बांध कर आओ, चाहे हाफ बांधो चाहे थोड़े से बांधो, आप बांधो जरूर बाल, और उसके बाद अपने बालों में क्लिप करो, बालों को टाई करो, पैरों में बिछुआ पहनो, आप ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे सुहागन दिखनी चाहिए। जो रूप आपको ईश्वर ने दिया माँ पार्वती का, इससे बेहतर तो कोई चीज ही नहीं हो सकती।